हेलो फ्रेंड्स, मथुरा भोग किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिक स्टाइल वेज रैप्स। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमने लिया है मथुरा भोग मैदा 1 कप, प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, नींबू, हरी मिर्च, गाजर, शिमला मिर्च, दूध, दही, सॉल्ट, शुगर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, शेजवान चटनी, मोज़रेला चीज़। सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे गाजर 1/4 कप, शिमला मिर्च 1/4 कप बारीक कटी हुई। सभी चीज़ों को अब अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे सब्जियां हमें ओवर कुक नहीं करनी है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, शेजवान सॉस 2 टीस्पून। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 उबले हुए आलू मैश करके। इसे 2 से 3 मिनट और भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, 1 नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है। इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में अलग से रख देंगे। अब हम रैप्स तैयार करेंगे। रैप्स बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 1 कप मैदा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शक्कर, 2 टीस्पून ऑयल, 4 टीस्पून दही। ध्यान रहे दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और फिर दूध से इसका डो तैयार कर लेंगे। इस डो की एक छोटी लोई तोड़ेंगे और रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। अब एक तवा गरम करेंगे और ये रोटी इस पर हमें हल्की हल्की सेक लेनी है। एक साइड से जब ये हल्की सी सेक जाए, इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसे थोड़ा सेक लेंगे। इसी तरह हम सभी रैप्स तैयार कर लेंगे। अब हमें एक पेस्ट बनाना है जो कि हमें रैप को चिपकाने में काम आएगा। इसके लिए एक बाउल में हम लेंगे 1 चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब फाइनली हमारा वेज रैप बनाएंगे। इसके लिए हमने जो ये रैप तैयार किया था, ये लेंगे और इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। और इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। अब एक साइड से ऐसे सेंटर तक इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे और दूसरे साइड को ऐसे इसके ऊपर से चिपका देंगे। आप देख सकते हैं कि एक पॉकेट की तरह वेज रैप तैयार हो चुका है। इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। ये आपस में अच्छे से चिपक जाएगा। अब हमें इसी तरह सारे रैप तैयार कर लेना है और फिर इसे तवे पर हमें सेकना होगा। इसके लिए एक पैन या तवा लेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसे चिकना कर लेंगे और फिर इसके ऊपर ये रैप रखकर इसे पकने देंगे। और फिर पलटकर दूसरे साइड से भी गोल्डन कलर आने तक इसे सेकना है। आप देख सकते हैं
कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। तो लीजिए, वेज रैप तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें टमाटो सॉस या अपनी मनपसंद चटनी के साथ। फ्रेंड्स, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें। दिस रेसिपी इज प्रेजेंटेड बाय मथुरा भोग।